फिल्मों में अनूप जी जो भजन हम लोग सुन लेते थे पहले, मुझे लगता है शायद पिछले एक दशक में या डेढ़ दशक में उनमें बहुत कमी आई है, बिल्कुल ना के बराबर हो गए हैं। इसकी क्या भजनों की आवश्यकता नहीं है फिल्मों में? अच्छा, क्योंकि अब तो 20 चैनल बन गए भजन के, हाँ टीवी चैनल। बिल्कुल सही बात, पहले भजन कहाँ सुनाई पड़ते थे, रेडियो में सुनते थे ना। जी, अब तो चैनल हैं 24 घंटे, उसमें भजन ही भजन आ रहे हैं, कथाएं आ रही हैं, तो आप और कुछ सुन ही नहीं सकते उसमें। तो अब फिल्मों में कहाँ जरूरत है वो सब करने की। फिल्म में अगर कहीं आता है कोई छोटा सा प्रसंग तो हो जाता है। आजकल फिल्मों में तो मेरा नाम लेके डायलॉग बोलने लगे। अभी वो फिल्म देख रहा था, नहीं आई है बाला, तो बाला में बोलते हैं जी वो उसकी शायद किसी की गर्लफ्रेंड काली होती है, तो बोलते हैं जी वो भजन सम्राट ने गाया है ना कि तू क्यों गोरी मैं क्यों काला, ऐसे करके अब डायलॉग आने लगे। तो अच्छी बात है ना कि आज भजन क्षेत्र यहाँ तक पहुँच गया है कि फिल्मों में डायलॉग आ रहे हैं। इस तरह डायलॉग फिल्म जीरो में भी था, बधाई हो में था, तो मुझे खुशी होती है देख के कि डिवोशनल म्यूजिक आज इस पॉपुलैरिटी पे है कि उसकी कमर्शियल फिल्मों में उसके डायलॉग आते हैं। अच्छा, आपकी कभी ये इच्छा नहीं हुई जब आप सीख रहे थे कि आप वेस्टर्न क्लासिकल में कुछ सीखें उधर से भी? मैंने सीखा सीखा, हाँ। अच्छा हाँ, मैंने सबसे पहली नौकरी जो की थी बॉम्बे में आके जी, वो एज ए कोरस सिंगर की थी। अच्छा, तो उसमें 30 सिंगर थे, तो 3 10-10 सिंगर खड़े किए जाते थे और 3 ऑक्टेव में गवाया जाता था, जो वेस्टर्न म्यूजिक का एक ढंग है। सारे गा रे सा हम गा रहे हैं, दूसरी लाइन गा रही है गा मा पा मा गा, तीसरी लाइन गा रही धानी 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 सारे गा रे सा, वो 3, तो ये वेस्टर्न ढंग है। तो वो गा गा के हमने सीखा, कॉर्ड जो बजाना सीखा है उसी से सीखा। और फिर आप वहां से, मैंने सुना कि आपने भजन के ऐसे भी कार्यक्रम किए जो खेत में किए, हाँ अभी भी करते हैं। ये सफर कैसा है? हाँ, मतलब बहुत ये क्या जबरदस्त। आपके जीवन की सकारात्मकता है, या जो आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि संगीत कोई भी हो वो अगर अच्छा है तो उसको संगीत सबके लिए। जी एल्बर्ट हॉल में प्रोग्राम करके आए, जी पता लगा 3 दिन बाद एक खेत में प्रोग्राम है बिहार में, वहाँ खेत में गा रहे हैं लोग, अपने हल चला के आ रहे हैं लोग, अपने ट्रैक्टर में आगे बैठ के बैठे हुए सुन रहे हैं। तो क्या हुआ, मजा कहाँ ज्यादा, श्रोता कहाँ के ज्यादा मजेदार लगते दोनों हैं? जगह अच्छे, अच्छा, वो भी सुनने वाले, नहीं तो आते क्यों? हाँ बिल्कुल, उनके पास थोड़ा साधन ज़्यादा है, इतनी सी बात है ना कि भाई अपने मर्सिडीज से आए हैं, लेकिन यहाँ वो अपने ट्रैक्टर से आए, उसकी भी वो मर्सिडीज।